हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन जैसा कि आप जानते हैं टेलीविज़न के फोरफ्रंट पे था। 80s में उसने काफ़ी पकड़ ली थी और देश में धीरे धीरे 90s में और अर्ली 2000 तक वो रहा। उसके बाद वो वेव धीरे धीरे खत्म हो गई, केवल टेलीविज़न ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, जिसको अभी OTT ने कर लिया। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे दोस्तों दूरदर्शन के कुछ ऐसे नायाब टीवी सीरियल्स के बारे में, जिनके बारे में आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, पर शायद कुछ हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और क्यों आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। तो दूरदर्शन के बारे में एक चीज़ आप जान लीजिए कि बहुत पहले से ही जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट हो, दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो या पुणे का इंस्टीट्यूट हो, जब भी कोई व्यक्ति वहाँ से पास आउट करता है तो इनिशियली उसे डायरेक्टली बॉलीवुड में चांस नहीं मिलता है। वो पहले ऐसा होता था कि 80s और 90s में वो पहले दूरदर्शन पे रोल करते थे, जिससे उन्हें एक पॉपुलैरिटी गेन होती थी और फिर वो जाकर फिल्म डायरेक्टर्स कहें या प्रोड्यूसर्स कहें उनकी नज़र में आता था, ठीक है। और थिएटर भी साथ में चलता रहता था, लेकिन थिएटर की तो हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। थिएटर तो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, जाकर देखना वहाँ पर। अच्छा, तो ऐसे ही बहुत सारे सितारे हैं जो दूरदर्शन से ही उठ के धीरे धीरे लोगों के नज़रों में आए और फिर फिल्मों में आए। इरफान खान भी उन्हीं में से हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस लिस्ट को। सबसे पहला नाम है, ये आपने ज़रूर सुना होगा और ये बहुत ही फेमस बंगाली डिटेक्टिव है, ठीक है। तो बंगाल में इनकी कहानियाँ लिखना शुरू हुई थी लेट 1950s के दौरान। उस समय के दौरान ये स्टोरीज़ लिखी गई थी और ये स्टोरीज़ पूरे बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आजकल भी लोग उन्हें बहुत दिलोजान से और दिलचस्पी से पढ़ते हैं। तो इसका नाम है ब्योमकेश बख्शी। जी हाँ, ब्योमकेश बख्शी को डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने। ब्योमकेश बख्शी की जो लोकेशन थी, शूटिंग की जो जगह थी, वो कोलकाता को ही इस्तेमाल किया गया था। उसमें सब कुछ बंगाली है सिवाय लैंग्वेज के। लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से हिंदी है, एकदम खड़ी हिंदी जो होती है, जो बोली जाती है। तो उसमें ब्योमकेश की भूमिका निभाई है रजत कपूर ने और साथ में हैं उनके साथी के रूप में के रैना, अजीत, जो कि उनकी कहानियाँ लिखते हैं। बहुत हद तक ये शर्लक होम्स और वाटसन से मिलता जुलता है। आपको मैं ये बात बता दूं कि कोलकाता का जो कल्चर है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत सारी ब्रिटिशर्स की हैबिट को कोलकाता ने ले लिया था और वो एक तरह से उनका लंदन था उनके घर से दूर। जैसे कि अभी भी चाय का कल्चर, चाय सिगरेट, जिस तरह से कल्चर कोलकाता में है, जैसे कि आप जानते होंगे कि कोलकाता जो है वो स्मोकिंग कैपिटल है। आज भी जब लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं, इतने ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ के बारे में, फिर भी स्मोकिंग कैपिटल है कोलकाता। सबसे ज़्यादा सिगरेट यहीं पी जाती है, ठीक है। तो सिगरेट हुआ, चाय हुआ, बाकी जो भी जितने भी कल्चर हैं ब्रिटिशर्स के, वो यहाँ फॉलो होते थे। ट्राम कहें या कुछ भी कहें, हर चीज़ ही, बिल्डिंग भी उसी प्रकार से बनी हुई हैं, पढ़ाई लिखाई भी बहुत पहले ही यहाँ पे आ चुकी थी। तो जाहिर है जब आप ब्योमकेश बख्शी देखेंगे तो उसमें आप उन सब लोकेलिटीज़ में किस तरह से शूटिंग की गई है, कोलकाता की खूबसूरती दिखाई है बासु चटर्जी साहब ने। बहुत ही शानदार डायरेक्टर थे, बहुत ही बेहतरीन। आप उनके बाकी कामों को भी देख सकते हैं। तो ये सीरीज़ IMDb पे भी बहुत हाईली रेटेड है और बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं है, पर 25-30 के आसपास हैं, पर आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। लगभग एक घंटे का एक एपिसोड होता है और बिल्कुल किताब को उन्होंने फॉलो किया है बासु चटर्जी ने, जितना अच्छा हो सकता है अनुवाद किया गया है। और उसका जो म्यूज़िक है, खासकर म्यूज़िक उसका आनंद सरकार का म्यूज़िक है। आनंद सरकार ने इतनी बेहतरीन कुछ उसमें धुनें बनाई हैं। टिपिकल पोजीशन, आप उस म्यूज़िक की स्टार्ट के साथ बता देंगे कि अब क्या टर्न आने वाले हैं। टर्न ऑफ इवेंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया है। अच्छा, ये हमारी पहली सीरीज़। अब हम बात करते हैं दूसरी सीरीज़ के बारे में। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। इस सीरीज़ का नाम है चेखव की दुनिया। चेखव की दुनिया एंटोन चेखव जो हैं, रशियन राइटर, उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड हैं। इसमें चेखव का किरदार निभाया है राजेंद्र गुप्ता ने और वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हैं, आपसे बात करते हैं। ये लेट 1980s में आता था। जैसे कि मैंने ब्योमकेश की बात की, वो 1993 से 1997 तक आता था। अब चेकअप की दुनिया में क्या है कि बहुत ही शानदार आपको कुछ स्टोरीज मिलेंगी, जैसे कि अबाउट लव, बूट्स, निनकम पूप, ये सब बेहतरीन स्टोरीज आपको उसमें देखने को मिलेंगी। आप ये सारे ही सीरियल या तो डायरेक्टली YouTube पे सर्च कर सकते हैं इसी नाम से, या फिर प्रसार भारती का ऑफिशियल चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे शो की।
तीसरा शो है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन जो है उस शो में रघुवीर यादव हैं, जोहरा सहगल हैं, और ये एक कैरेक्टर है, बहुत ही पुराना कैरेक्टर जिस पे स्टोरी बुक्स काफ़ी लिखी गई हैं बच्चों की, मुल्ला नसरुद्दीन, जो कि अपनी चतुराई से और अपनी बहादुरी से कैसे लोगों को इंसाफ दिलाता है, लोगों का दिल जीतता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो ये उनकी ट्रैवल्स की कहानी है, साथ में उनकी बुद्धिमानी की कहानियाँ हैं। तो इसे आप ज़रूर देखें, ये भी आपको मिल जाएगा प्रसार भारती ऑफिशियल्स पे, डीडी भारती, प्रसार भारती चैनल है यूट्यूब पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लेगेसी है दूरदर्शन की वो जिंदा रहनी चाहिए, मुझे ऐसा महसूस होता है। जितना भी OTT कंटेंट आए, कुछ भी आए, जो भी ये आर्ट्स का रिवोल्यूशन आया है पैरेलल चीज़ों का, आज जो इतना स्ट्रांग है कि एक अच्छा कंटेंट वाला कोई भी सामग्री अगर आती है कंटेंट वाली, तो वो पूरी तरह से दर्शक उसे सराहते हैं, यंग पॉपुलेशन भी सराहती है। ऐसा नहीं था दोस्तों, आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था, हम इस कंटेंट को देखने भी नहीं जाते थे, हम कोई ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरों में हम यकीन नहीं रखते थे, उन्हें देखना मासेस की बात कर रहा हूँ, वो लोग उसे उतने अच्छे से स्वीकार नहीं करते थे। तो अच्छा, मुल्ला नसरुद्दीन, तो अभी तक हमने 3 शोज़ की बात की, ब्योमकेश बख्शी, चेखअप की दुनिया, मुल्ला नसरुद्दीन। अब आता हूँ चौथे शो पे। चौथा शो है भारत एक खोज। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, 1988 में ये आता था दूरदर्शन पे। इसमें जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका है वो रोशन शेठ ने अदा की है, साथ में इसमें बेहतरीन बहुत एक्टर्स हैं जो आपने बाद में फिल्मों में देखे होंगे। इरफान खान ने भी एक किरदार इसमें निभाया है, पंकज बैरी थे एक इम्पॉर्टेंट किरदार में, ओम पुरी ने नरेट किया है पूरा शो, ओम पुरी की जो वो वॉइस है, मैजिकल टेक्सचर है उनकी वॉइस का, वो आपको उसमें महसूस होगा। ज़रूर देखें भारत एक खोज, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो है, और ये जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बेस्ड है, बहुत ही शानदार। अब बात करते हैं आखिरी और पांचवे की। ये नाम मुझे लगता है हर किसी को ही पता होगा, सिर्फ जो लोग बहुत ज़्यादा युवा हैं या तो जस्ट जो 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है उन्होंने शायद नहीं सुना होगा इसका नाम। इसका नाम है मालगुड़ी डेज। मालगुड़ी डेज आरके नारायण की कहानियाँ थी। मालगुड़ी एक क्या कहूँ, एक फुगाजी टाउन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, पर उसमें जो लोगों के कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर की समानताएँ हैं, उनके बिहेवियर, वो आप किसी जगह से भी कर सकते हैं। सेम चीज़ चेखअप भी कहते थे, जितने भी ग्रेट राइटर्स हैं वो अपने स्टोरीज़ में ये कहते थे कि आप मेरे कैरेक्टरों के नामों पे मत जाइए, उनकी जगहों पे मत जाइए, उनमें आप रिलीजन या संप्रदाय को मत जोड़िए, आप उनकी हैबिट्स में देखिए कि एक कॉमन मैन कैसे उसमें बसा हुआ है। हर एक किरदार में आपको आपके अंश नज़र आएंगे। उसी तरह से मालगुड़ी डेज बहुत ही फैंटास्टिक शो है। मैंने ये सारे ही शो रीटेलीकास्ट में देखे थे, जाहिर है मैं 1988 में तो ये शो नहीं देख सकता था, लेकिन दूरदर्शन पे जब ये दोबारा, हमेशा ही दूरदर्शन अपने पुराने बेहतरीन सीरियल को दोबारा प्रसारित करता है, तब मैं उन्हें देखा करता था। खैर, ये 5 मेरे शो हैं, इन्हें आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चेखअप की दुनिया, ब्योमकेश बख्शी, मालगुड़ी डेज, भारत एक खोज और मुल्ला नसरुद्दीन। सी यू।